अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि हम अपने रिस्क में बरकत कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों, पहला ये है कि सदका। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई सदका करता है तो सदके से माल कभी कम नहीं होता। उन्होंने ये बातें कसम कर कही हैं कि मैं मोहम्मद अल्लाह का कसम उठा के कहता हूँ कि सदके से माल कभी कम नहीं होता। तो दोस्तों, हमको इस पे यकीन होना चाहिए कि सदके से माल कम नहीं होता। दूसरा, अल्लाह ने फरमाया कि अगर जो शख्स चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत हो तो निकाह करेगा, क्योंकि निकाह जो करेगा तो वो जो आएगी वो बरकत लेके आएगी। और तीसरा जो बात है दोस्तों, ये है कि हम अगर रोज आना फजर में उठ के अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने झोली फैला के अगर उससे मांगते हैं तो अल्लाह कभी खाली हमको नहीं छोड़ेगा। हमको फजर में उठ के नमाज अदा करके उससे दुआ मांगनी चाहिए। ये बहुत अच्छा और हसीन तरीन हमारा नुस्खा है कि हम अल्लाह से मांगें। और तीसरा ये है कि चौथा कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें। अपने जो रिश्तेदार हैं, रूठे हैं, गरीब हैं, उनके पास इतना पैसे नहीं, तो हम उनके साथ हुस्न सलूक करें, उनकी मदद करें। और अगर आपको अल्लाह ने इतने पैसे दिए हैं कि आप किसी